हजारों प्रोडक्ट है। आप पूरा एक बार लुक देख लीजिए, कितनी खूबसूरत सी साड़ियाँ है, एक से बढ़कर एक। ये सबसे बड़ी सूरत की साड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। साड़ी, कुर्ती, लहंगा, गाउन, जितनी चीजें चाहिए सब कुछ मिलेगी यहाँ से। बड़े बड़े शोरूम में कपड़ा सप्लाई होता है, बड़े बड़े डीलर्स को कपड़ा जाता है। सो बीइंग रिटेलर, आप चाहते हैं कि हम छोटे सिरे से बिजनेस शुरू करना है लेकिन मैन्युफैक्चर के साथ भी जुड़ना है, सो बिल्कुल आप यहाँ से कपड़ा ले सकते हैं। इस टाइप की खूबसूरत सी सिल्क की साड़ियाँ हो या फिर इस टाइप की जो फ्यूजन सीक्वेंस वर्क साड़ी होती है, बिल्कुल मिल जाएगी। और आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। आज हम देखेंगे ब्यूटीफुल सी साड़ियाँ, लेकिन आज हम गोडाउन में घूम कर नहीं, आज मैं आपको एक जगह बैठ के शांति से कपड़ा दिखाऊंगी। इवन कपड़े की टेक्सचर की टेक्सचर के बारे में बताऊंगी, क्या कपड़ा है, कौन सी डिज़ाइन है, सब कुछ। चलिए वीडियो की शुरुआत कर दें और चलते हैं सैम्पल रूम में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मत स्वागत। दोस्तों आपने गोडाउन तो देख लिया है, किस तरह का गोडाउन है, सारी इन्फॉर्मेशन भी ले ली है। अब आज का वीडियो खास होने वाला है वर्क डिजाइनर साड़ीज के ऊपर, और यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए कुछ एग्जांपल चूज कर लिए हैं, क्योंकि टेक्निकली गोडाउन में हर एक साड़ी ओपन करके दिखाना पॉसिबल नहीं होता, स्पेस क्वांटिटी ज़्यादा है, स्पेस कम है। इसीलिए मैं एक जगह पर बैठकर आराम से आपको कपड़े के बारे में बारीकी से जानकारी देने वाली हूँ। सो नया अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हो, थोड़ी टेक्निकल नॉलेज चाहिए भाई, थोड़ी हम बेस इन्फॉर्मेशन मैडम चाहते हैं, कपड़ा कैसा, डिज़ाइन कैसे कैसे जाने पर के, खास आपका वीडियो, आज का वीडियो आप सभी के लिए है। घर से हो, दुकान से हो, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, या फेरी वाले हो, यानी गली गली बेचने वाले हो, टोटली अप टू यू, लेकिन कपड़ा बिकेगा गारंटी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नाउ ये एक चीज़ है, ओके, एंड ट्रस्ट मी, नॉर्मल साड़ी का वजन कुछ एक ग्राम में होता है, ये साड़ी लिटरली किलो में है, एक से डेढ़ किलो के वजन है इस साड़ी का। जी हाँ, एक से डेढ़ किलो की साड़ी, मतलब हेवी वजन है। क्यों, क्लोजअप में पहले ये साड़ी का मैं आपको फोल्डेड पोर्शन दिखाती हूँ। ये पल्लू का जो कॉर्नर पोर्शन आता है ना, वो है लिटरली। अब देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये आठ लेयर है। ये बॉर्डर, फिर इससे थोड़ी छोटी बॉर्डर, मिडल में ये पूरा जरकन स्टोन का काम। सो ये सारा काम होता है हैंडवर्क के थ्रू, हाथों से एक एक काम लगाया जाता है, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ पल्लू में ऐसा काम हो, ये काम पूरी साड़ी में है। चलिए ओपन करके देखते हैं। जी हाँ, यूजुअली तो पन्नी का इंडिया में साड़ी की डिज़ाइन ओपन नहीं की जाती है, ताकि उसकी कॉपी ना हो, आप तक कपड़ा ओरिजिनल और सही क्वालिटी का पहुँचे। क्योंकि देखिए, ये कपड़ा हमने बनाया है डायमंड नेट के ऊपर, अब यही चीज़ की कॉपी बनेगी लेकिन उसमें डायमंड्स ख़राब लगेंगे, बेस ख़राब होगा, कपड़ा टिकाऊ नहीं होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा कपड़ा जो भी हम बनाते हैं वो सही पर्सन तक पहुँचे, जो कपड़ा आगे बेचना चाहता है, सही क्वालिटी। नाउ लुक एट दिस मास्टरपीस, फर्स्ट वी आर गोना स्टार्ट विद अ बॉर्डर। यस, ये बॉर्डर देखिए, इस तरह मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, मेरे हाथ के थ्रू आप देखेंगे तो बॉर्डर में एक अलग से कट है, लाइक दीज आर नॉट नॉर्मल कट्स, सिर्फ जिगजैग नहीं दिया है, एक अलग सा शेप क्रिएटेड है। थोड़ा नीचे की साइड के बॉर्डर अब दिखाती हूँ, तो ये देखिए ये बॉर्डर है। और इसके अलावा मिडल बॉडी की बात करते हैं, दिस इज़ अ मिडल बॉडी बुट्टा, बहुत रीसेंट, बहुत ही खूबसूरत है। सोचिए, ये वो साड़ी है जो बड़े बड़े डिजाइनर्स बॉलीवुड वाली जो साड़ी है, रेड कार्पेट वाली साड़ियाँ होती है, वो इस टाइप की होती है। चलिए, अब तो हमने आउटर लुक देख लिया, नाउ वी आर गोना सी अ क्लोजअप लुक। अब यहाँ पर मेरा हाथ आपको नज़र आ रहा होगा, ये साड़ी के टेक्सचर नज़र आ रहा होगा। सो ये टेक्सचर में आपको देखिए, इसको कहते हैं फुटबॉल नेट, जो नेट की कैटेगरी में काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर मैं इसको ऐसे खींचती हूँ ना यहाँ से, तो ये कपड़ा छूटता नहीं है, ओके। ये देखिए, मैं खींचने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि नेट में प्रॉब्लम आती है। जो लोग सिलाई का काम करते हैं, जिनके घर में स्टिचिंग की फैसिलिटी, उनको आइडिया आएगा कि भाई क्वालिटी पता चल जाती है। सेम वे मैं अपने नाखून इसमें लगाने की कोशिश कर रही हूँ, ये नेट के ऊपर। अब नुकीले नाखून अगर होते हैं ना, लिटरली नेट के अंदर वो फंस जाते, उनके धागे निकल आते। ये देखिए, ये निकल नहीं रहे हैं, मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ तो भी नहीं निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ की क्वालिटी आती है, और हम आपको दे रहे हैं बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। जी हाँ, 40 सालों से पन्नी का इंडिया का नाम इसीलिए है कि पूरे मार्केट में भले ये कपड़ा मिले ना मिले, लेकिन क्वालिटी अगर चाहिए यहीं पर मिलेगी, ये कपड़े में चाहिए तो यहीं पर मिलेगी। अब नेक्स्ट आइटम, हैंडवर्क का स्टोन का काम है। सूरत में जो स्टोन का काम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। क्यों?
क्योंकि स्टोन एक ऐसी चीज है ना जो कभी भी ट्रेंड आउट नहीं होगी। कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो ट्रेंड में आती है जाती है, जैसे सीक्वेंस, वो कभी आज ट्रेंड में है, फिर एक साल तक ट्रेंड में नहीं रहेगी, फिर अगले साल ट्रेंड में रहेगी। लेकिन जरकन या स्टोन ऐसी चीज है ना, ये इंस्टेंट किसी भी साड़ी का लुक अपलिफ्ट कर देते हैं, तुरंत इसका लुक क्रिएटिव कर देते हैं। सो भाई इसका काम तो जरूरी है। इसके अलावा ये साड़ी के अंदर आपने नोट नहीं किया होगा, चलिए मैं आपको करवाती हूँ, वो चीज़ है सीक्वेंस। यस, लुक एट द सीक्वेंस, दूर से विजिबल नहीं है लेकिन इसका इफेक्ट है। जैसे मैं ये देखिए साड़ी को यहाँ पर देखिएगा, ओके, आप इस चीज़ के ऊपर देखिए, मैं देखिए कपड़े को मूव कर रही हूँ, सो जरी चमक, ये सीक्वेंस चमक रही है। सो ये कब होता है पता है? दूर से देखने पे पता नहीं चलेगा ये सीक्वेंस है, लेकिन सीक्वेंस अपना काम तो करे चमकने का। सो ये साड़ी है जो बड़े बड़े शोरूम में लगती है, आप देख के सोचते हैं भाई वाह क्या साड़ी है। यहाँ से हमारे यहाँ से बड़े बड़े शोरूम में हम कपड़ा प्रोवाइड करते हैं, फिर वो कपड़ा आगे सेल आउट करते हैं आप जैसे कंज्यूमर्स को, जो आगे अच्छी ये जो एंड यूजर्स को बेचते हैं। बड़े बड़े ब्रांड से आप कपड़ा खरीदते हैं मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से बड़े बड़े ब्रांड से में कपड़ा जाता है, तो क्यों ना आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से खरीदें ब्रांडेड कपड़ा। नेक्स्ट आइटम ये है रंगोली सिल्क। नाउ ये दो टोन में आती है। मैं भी दोस्तों माफ़ी चाहूँगी, ये कपड़ा मैं एज इट इज़ कैमरा में नहीं दिखा पाऊँगी जितना मैं यूजुअली क्लोजअप में दिखा रही हूँ, क्योंकि ये दो टोन का कपड़ा, मतलब जब इस पर धूप पड़ती है, अभी हम एक रूम में है तो इसीलिए मुझे टेक्निकली वो चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसमें धूप पड़ती ना तो ये कपड़ा अलग से चमकता है, लाइक दो, एक हल्का सा डार्क टोन है, एक हल्का सा वाइन टोन है, इस तरह दो टोन में ये कपड़ा आएगा। तो ये कैमरा में नहीं विजिबल होगा इसलिए मैं आपको जस्ट वर्बली बता रही हूँ, अगर आपको देखना है तो आप पर्सनली यहाँ पर आकर कपड़े को चेक कर सकते हैं, गारंटी है कपड़ा पसंद आएगा। नेक्स्ट आइटम ये देखिए, ये पीस देखिए, अब इसमें भी ये जो पीस है ना प्रीवियस से ही है, लेकिन ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट है, लाइक क्वालिटी जो है इसकी भी हैवी है, लेकिन पहला वाला थिक था, ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट है। बाकी यहाँ पर देखिए उसकी डिज़ाइन हैवी ब्राइडल थी, इसकी सोबर ब्राइडल है। एट द सेम टाइम यहाँ शिरोज़ की दिखाती हूँ, पल्लू में ये देखिए, ये पूरे डायमंड शिरोज़ की, और सूरत में जो शिरोज़ की डायमंड्स का काम होता है ना, पहली बार तो यहाँ बनता है, आप जानते हैं सूरत इज़ हब ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेकिन सूरत एक और चीज़ के लिए फेमस है, क्या? सूरत एक डायमंड सिटी है, यहाँ डायमंड्स बनते हैं, जी हाँ सूरत डायमंड सिटी है। सो यहाँ असली डायमंड्स भी बनते हैं, यहाँ इस तरह की जो स्टीरोस की डायमंड्स होते हैं, स्टोन होते हैं, ऐसे डायमंड्स भी बनते हैं। तो सोचिए जहाँ पर कपड़ा बन रहा हो वहीं पर अगर उसको यूज़ किया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस नहीं लगता, इसीलिए साड़ियों के ऊपर ये काम अदर जगह पर महंगा मिलता है आपको, लेकिन सूरत में ये सस्ता मिलता है। यही कारण है क्योंकि बनता भी यही है, साड़ी अभी यही बनती है, डायमंड भी यही बनता है, तो इसी के ऊपर इस्तेमाल होने से आपको सस्ता पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइटम एम्ब्रॉयडरी, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी विद अ विचित्रा सिल्क। जी हाँ, ये कपड़े का नाम है विचित्रा, ऐसे अलग अलग, और क्या होता है सूरत में पता है, एक फिक्स फैब्रिक नहीं होता है, दानी, शिफॉन, रेनियल, वेटलेस, मार्बल, ऐसे अलग अलग कपड़ा आपने नाम सुना होगा, लेकिन समझिए हम शिफॉन और मार्बल का मिक्स करेंगे तो क्या होगा, लाइक एक धागा शिफॉन का, एक मार्बल का, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हमने दो तरीके से दो धागों को एक साथ जोड़ के बनाया तो क्या होगा, नया कपड़ा, नई साड़ी बनेगी। इसी तरह सूरत में साड़ियों का फ्यूजन चलता है, बनता है एवरी ईयर, न्यू हज़ारों साड़ियाँ बनती है, न्यू हज़ारों ट्रेंड्स बनते हैं। तो बस आपको ऐसी ट्रेंडिंग साड़ियों का बिजनेस करना है, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा घर बैठे आपको बेचना है, सो प्लीज़ आप पनिका इंडिया एक बार जरूर आइए, मैंने नंबर आपको स्क्रीन पर दे दिए हैं, जल्दी जल्दी वहाँ जाइए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ड्रॉप कीजिए, आगे की जानकारी वहाँ पर पनिका इंडिया यानी कि हमारी टीम आपको गाइड करेगी। सिंगल पीस के लिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, कॉन्टैक्ट ना करें, B2B जुड़ना है आपको, मिनिमम 15,000 से 20,000 का लेना होगा। बस मैं आशा करती हूँ आपके मन के सारे सवाल क्लियर हुए होंगे, फिर भी कुछ रह गया है माफ़ी चाहूँगी उसके लिए, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो काम करा है, पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं हूँ आपकी फेवरेट वैष्णवी चौहान, मिलूंगी नेक्स्ट ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।